मुनिया जी, आप गांव खिरवाना आबाद नया गांव कालाबसा में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। मेरा नाम विनय चौधरी जी, ये मेरे पिताजी हैं चौधरी जयवीर सिंह जी। जी जी, नमस्कार जी। हमारा मुख्य काम खेती पेशे का है जी, जिससे हम जुड़े हुए हैं, और ट्रैक्टर का शौक आप भी रखते हैं, थोड़ा सा मैं भी रखता हूँ। तो हमारे पास जो है तीन ट्रैक्टर हैं, एक जॉन डियर है जो कि अभी गया हुआ है। अच्छा। एक ये 241 आप देख सकते हैं, और एक ये छोटा सादा मेसी है जी, 35 जी। और अगर बात पसंद की करें, जो मेरे पिताजी हैं वो इन्हें पसंद करते हैं बिल्कुल, मेसी 35 को, और मैं जॉन डियर को और 241 को पसंद करता हूँ। अपनी जगह सभी ट्रैक्टर बेहतर हैं जी। अच्छा, एक बात बताओ चौधरी साहब, इसे कब से चला रहे हैं आप? ये 92 मॉडल है, 92 से सन 92 में नया लिया था। तो अभी सब मन नहीं करता बदलने को? नहीं, जैसे अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए नए ट्रैक्टर हैं, बस हमें तो सुविधा ही इसमें ज़्यादा है। तो आज भी यही अच्छा लगता है? जैसे मैसी वालों ने इसमें 3 गियर दिए, 5 तक पहुंच गए, ये तो ज़्यादा अटैता है। जितने कम है उतने ठीक है, उतना बढ़िया सुविधा, मतलब अपने हिसाब से ट्रैक्टर सही है। गन्ने डालने में, गन्ने ज़्यादा तुल जाए इस पर, और थोड़ी ही जगह में इसे मुड़ जाए, और एक जोतने में, बाग जोतने में बहुत सुविधा है इसे। अच्छा, चलाने में भी तेल का खर्चा महसूस होता है? कुछ नहीं, तेल का तो लगभग सब बराबर सही, बराबर सही है, कोई ऐसी खास बात नहीं। अच्छा, एक इसकी आवाज़ बहुत बढ़िया बताई, स्टार्ट करिए। बहुत अच्छी आवाज़ है, ऐसी आवाज़ किसी की नहीं है। जब सिलो होता है ना ऐसा, बहुत मंत्र मुग्ध कर देता है। देखिए भाइयों, क्या शानदार आवाज़ है। अच्छा, उसे करना भाइयों, इसकी आवाज़ सुनिए, अब आपको हम 41 की सुनवाए हैं। क्या शानदार आवाज़ है भाइयों, मज़ा नहीं आया जो मज़ा इसकी आवाज़ में आ रहा। यानी मानते जी, बंद कर देना। देखो दोस्तों, मैंने डायलॉग बोला, इसमें मज़ा नहीं आया, इसकी आवाज़ में मज़ा आया। आज भी ये सादा मैसी वाकई नंबर वन है। तो दोस्तों, जैसी आवाज़ किसी ट्रैक्टर की भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, इस पर डायलॉग बोलते मुझे बहुत खुशी हुई, इस पर जबरदस्ती बोलना पड़ा वो मज़ा नहीं है। और 245 की तो इससे भी बेकार आवाज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रोवेटर है अपने काम के लिए। अच्छा, 6 फुटा। हाँ हाँ, इसे 241 पे, और जॉन डियर है हम पे 45 HP का, उस पे चलाते हैं। अच्छा, कोई नहीं। शक्तिमान का है ये, सोनाली का जी। अच्छा, सोनाली का, और ये पीछे वो है कंटीमेटरी की जोतने का। हाँ, जोतने का है, और ये वो है मिट्टी को गहराई से उखाड़ने वाला, धरती पाड़ क्या बोलने उसे। हाँ हाँ। और ये डोल निकालने का, ये डिस्क प्लाव है, मिट्टी के डोल बनाने वाला। अच्छा, जैसे ये है कंटीमेटर, बड़ा भारी सा लग रहा मुझे था ये, हैवी खतौली से लेकर आए हैं इस सीजन में। अच्छा अच्छा, ये वहाँ पे जो सबसे हैवी था, भारी था, वो खरीदा। अच्छा अच्छा, और ये स्प्रे मशीन है? हाँ, ये स्प्रे मशीन है, शियाना की बनी हुई है। अच्छा अच्छा, और ये क्रम्पटन का 40 kW का जनरेटर बनवाया था। ये आपने कब बनवाया? ये जनरेटर को लगभग 5 से 6 साल हो गए। बड़ा सुंदर है तो। हाँ, ये क्रम्पटन का भाइयों देखिए, 45 kW का, 40 kW, 40 kW का जी, ओरिजिनल है क्रम्पटन का। सर, ये कितने का बन गया था? करीब 80 से 85 हज़ार रुपये का है ये कंप्लीट। अच्छा, ये ओरिजिनल है मतलब? ये ओरिजिनल है क्रम्पटन। तो इससे कौन सा ट्रैक्टर चलता है इसमें? इस पे जॉन डियर, और ये चलाते हैं 241। छोटे वाला तो कमजोर है, छोटे वाला थोड़ा सा दबता है, लोड बांधता है। तो इस पे ट्रैक्टर कितना वो खा लेता है डीजल? डीजल 1 घंटे में समझो आप 3-3.5 लीटर है। लेकिन मजबूरी में जब भी लाइट नहीं आती होगी, जब चलाना पड़ता है। हाँ, ये इमरजेंसी में अगर तार टूट गए, लाइट नहीं आ रही है, या जैसे धान को पानी देना है, कोई इमरजेंसी है, तो 3-3.5 लीटर डीजल प्रति घंटे का औसत है। अच्छा, एक बात और बताओ, कुछ मेरे भाई पूछते हैं, जैसे किसी के पास 60 kW का है जी, उसको भी हम इसी काम पे चला रहे हैं, तो उस पर तेल ज़्यादा खाएगा या उतना ही खाएगा ट्रैक्टर? लगभग बराबर ही खाएगा। हाँ, तो जितना लोड पड़ेगा उसी के हिसाब से खाओगा। हाँ, लगभग बराबर, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, 19-20 लगभग वही रहेगा। तो किसान भाइयों, आपको जरूर हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी। ये इनका अपना मकान है, बहुत सुंदर कोठी बना रखी है।
ये देखिए, ये हमारे चौधरी विक्रम सिंह जी हैं। नमस्कार जी, कहाँ चले गए थे वीडियो के टाइम पे आप, लेट आए? अच्छा, ध्यान न कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो जरूर पसंद आई होगी। नमस्कार।